खान एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल एम एल एस द टॉपर्स फैक्ट्री, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉप मोस्ट 100 लीगल मैक्सिम्स, जिसका आज पार्ट 5th है, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे फ्रॉम 53 से लीगल मैक्सिम्स है। जो सो द फर्स्ट वन इज इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेड। इग्नोरेंशिया जो वर्ड दे रखा है, ये किससे रिलेटेड हो रहा है? इग्नोरेंस से। यहाँ पे इग्नोरेंशिया वर्ड रिलेटेड टू इग्नोरेंस, फैक्टी वर्ड जो है वो रिलेट कर रहा है फैक्ट से, और एक्सक्यूजेड एक्सक्यूज से। सो द इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेस, इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेड, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेस, यही चीज यहाँ पे दे रखा। एक्सप्लानेशन इसका ये है कि सजेस्टेड डेट अ पर्सन मे बी एक्सक्यूज फ्रॉम द लीगल लाइबिलिटी, कि कोई भी पर्सन बच सकता है लीगल लाइबिलिटी से अगर वो सच में किसी भी फैक्चुअल सर्कमस्टेंस, कोई भी सिचुएशन है उसके बारे में वाकई उसे नहीं पता था, वो जेन्युइनली अनअवेयर था उस चीज के बारे में, तो वो बच सकता है। तो इसी के लिए यूज होता है ये प्रिंसिपल इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेड। इसको हम लोग अगर एक इलस्ट्रेशन से समझें, तो मान लो कि ए कोई इंसान है, वो कार से जा रहा होता है और रास्ते में पुलिस उसकी कार को रोकती है चेकिंग के लिए, और उसकी कार से कुछ इलीगल वीपन्स मिलता है, हथियार मिलता है। तो वो इंसान इस इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेड के प्रिंसिपल को यूज कर सकता है कि उसे उसके बारे में पता ही नहीं था, किसी और ने रख दिया उस वीपन्स को, तो वो इंसान लाइबल नहीं होगा। अगर उस इंसान को वाकई नहीं पता था, वो जेन्युइनली अनअवेयर था और किसी और ने रख दिया, तो यहाँ पे ये चीज़ यूज करके वो बच सकता है। यही चीज़ इसमें कही गई है इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेड में। उसके बाद से सो द नेक्स्ट वन इज पैक्टा संट सर्वेंडा। ये क्या है पैक्टा? पैक्टा वर्ड जो है वो पैक्ट से रिलेटेड है, पैक्ट वर्ड एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट के लिए यूज होता है, एग्रीमेंट के लिए यूज हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इसका यूज है। ये जो मैक्सिम्स है ये इम्फेसाइज करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनरिंग एंड अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल एप्लीकेशन एंड एग्रीमेंट। ये इस चीज को कि ये जो अबाइडिंग होगा या ऑनरिंग करना होगा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को, कि दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ट्रीटी साइन हो रही है, तो बोथ पार्टी के ऊपर ये चीज़ बाइंडिंग होगी, दोनों को वो काम को करना होगा बिना किसी भी धोखा दिए या कुछ भी, दोनों की ऑब्लिगेशन होगी, बाइंडिंग होगा इस काम को करना। तो पैक्टा सेंट सर्वेंडा, एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। इंटरनेशनल यूज में, ट्रीटीज में भी इसका यूज किया जाता है, और दो पार्टीज, मतलब कि दो पार्टीज भी हो सकती है और दो इंसान के बीच के लिए भी। उसके बाद से नेक्स्ट वन इज है प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसाई भी बोलते हैं, फेसी भी बोलते हैं। फेसी वर्ड जो है वो रिलेट कर रहा है फेस से, और प्राइमा, प्राइमा का मतलब क्या होता है? प्राइम, सबसे पहले, फर्स्ट। तो क्या हो सकता? फर्स्ट साइट, ऑन इट्स फर्स्ट साइट, या फिर से सबसे पहले, एट फर्स्ट साइट, या ऑन इट्स फेस, ऑन इट्स फेस, ये भी हम लोग इसे यूज करते हैं। सो द मैक्सिम प्राइमा फेसाई रिफर्स टू द इनिशियल अजम्पशन, कि सबसे पहले जो अजम्पशन किया जाए या अपियरेंस हो, एविडेंस प्रेजेंट, बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रेजेंट। तो इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते, पहली बात की यही कि जो चीज़ सबसे पहले नजर से देख के समझ आ रही है ना, उसी को मानेंगे। इलस्ट्रेशन से इसको समझते हैं। मान लो कि एक कोई इंसान है, एक उसकी डेड बॉडी किसी रूम में मिलती है, उसके साथ ही साथ वहां पे बी कोई दूसरा इंसान खड़ा है और उसके हाथ में एक नाइफ है और पूरे हाथों में ब्लड लगा हुआ, और उसकी डेड बॉडी है कि किसी ने स्टैब किया है, नाइफ से मारा और उसकी डेथ हो गई। तो तीसरा जो सी, तीसरा बंदा रूम में आएगा, वो क्या अज्यूम करेगा? कि बी ने उस ए का मर्डर किया। हो सकता है कि बाद में ये बात प्रूफ हो जाए कोर्ट में कि किसी और ने मर्डर किया था, बी तो आकर के उसके बॉडी से नाइफ को निकाला, लेकिन प्राइमा फेसाई क्या होगा कि ए ने मर्डर, बी ने ए का मर्डर किया, सी ने देखा ये चीज, तो प्राइमा फेसा यही बनेगा, ऑन इट्स फेस या एट फर्स्ट साइट ये चीज समझ आएगा कि ए का मर्डर बी ने किया है, यही चीज होगा प्राइमा फेसी में। उसके बाद से नेक्स्ट वन इज कोई फैसिट पर एलम फैसिट पोसी, मतलब कोई फेसेट, कि कोई इंसान अगर कोई काम कर रहा है, किसी और से करवा रहा है, कोई इंसान कोई काम किसी और से करवा रहा है, तो माना जाएगा कि उस इंसान ने ही उस काम को किया है, यही चीज यूज है। इसको हम लोग यूज करते हैं इस प्रिंसिपल को लॉ ऑफ टॉर्ट में। लॉ ऑफ टॉर्ट में भी किस, इसमें वाइकेरियस लाइबिलिटी के प्रिंसिपल में यूज करते। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी में यही होता है कि मास्टर लायबल होगा एक्ट ऑफ द सर्वेंट की, को हिंदी में बोले तो किसी भी ओनर, मालिक,
अपने किसी सर्वेंट की गलती के लिए लायबल होगा अगर उसने एम्प्लॉयमेंट के दौरान, मतलब काम करते जो जॉब है उसके दौरान अगर कोई काम गलती कर दी तो उसका जो ओनर है, मालिक है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। यही चीज़ इसमें कही जाती है। तो यहाँ पे है कि कुई फेसिट पर एलम, कि कोई भी इंसान कर रहा है तो उसका ओनर लायबल होगा। तो इलस्ट्रेशन से अगर समझे कि एक ए ओनर है कार का, बी उसका सर्वेंट है, ड्राइवर है, तो उसने एक कार दी और बोला कि जा करके ड्राइव करो, कोई किसी काम से भेजा। तो जो बी उसका सर्वेंट है उससे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है उस दौरान, तो मास्टर मतलब ए जो ऑनर है उस कार का, वो लायबल होगा। यही चीज कही गई है, कुई फेसिट पर एनम फेसिट पर्सी। इट स्टेट द पर्सन हु एक्ट थ्रू अनदर पर्सन इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ देयर बिहाफ। कि कोई इंसान अगर किसी और से कोई काम करवा रहा है तो वो लीगली उस काम के लिए जो किसी और से करवा रहा है वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पे एक और बात कही इम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी में, इट मीन्स दैट द इम्प्लॉयर कैन बी हेल्ड लायबल। कि इम्प्लॉयर ही लायबल होगा इम्प्लॉय के एक्शन के लिए अगर वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, स्कोप ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट में की गई हो। तो इसी से मिलता जुलता एक और लीगल मैक्सिम है, रिस्पोंडेंट सुपीरियर। रिस्पोंडेंट सुपीरियर में भी ये होता है कि लेट द मास्टर आंसर, कि मास्टर मतलब ओनर जो है, प्रिंसिपल जो है, वो लायबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, आंसरेबल होगा। द लिटरल मीनिंग ऑफ द मैक्सिम रिस्पॉन्स दैट द लेट द प्रिंसिपल बी हेल्ड रिस्पॉन्स लेट द प्रिंसिपल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल यही है। होल्ड दैट द एम्प्लॉयर और द सुपीरियर लीगैलिटी, इंप्लॉयर जो होगा मतलब ओनर मालिक जो होगा, या सुपीरियर लीगल जो होगा उस इंसान से, इंप्लॉय से, अगर वो उससे रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर उससे कोई भी रॉन्गफुल एक्ट, कोई गलत काम हो जाता है या ओमिशन हो जाता है। ओमिशन का मतलब किसी काम की लीगल लाइबिलिटी है, बाइंडिंग है, और वो इंसान वो काम नहीं करता, तो उसको ओमिशन कहते हैं। नेग्लिजेंस हो गया, मान लो मैं कार चला रही हूँ और कोई आएगा तो मेरा ये होगा ना कि मैं ब्रेक लगाऊं, सामने से कोई आ रहा, अगर नहीं लगाते तो वो एक्ट ऑफ ओमिशन हो गया। तो यही चीज होता है ओमिशन में, कमिटेड बाय द एम्प्लॉई और सबऑर्डिनेट विद द स्कोप विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कि एम्प्लॉयमेंट में टेन्योर ऑफ वर्क के दौरान अगर कोई गलती हो जा रही है एम्प्लॉय से, तो एम्प्लॉयर लायबल होगा। मतलब कि किसी सर्वेंट से गलती हो रही है तो उसका जो ओनर है तो वो लायबल होगा। थोड़ा अनफेयर साउंड कर रहा है कि दूसरे की गलती पे कोई और क्यों लायबल होगा, लेकिन इसमें यही होता है कि करे कोई और भरे कोई वाला जो प्रिंसिपल होता है यही लगेगा यहाँ पे, कि किसी और की गलती पे उसका जो ओनर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो ओनर है, एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है, इनके बीच का क्लोज रिलेशन होता है, और पूरा जो कंट्रोल होता है एम्प्लॉय का वो एम्प्लॉयर पे होता है, तो इसलिए ऐसा किया जाता है। और मान लो कोई गलत एक्ट हो गया है, रॉन्गफुल एक्ट, तो अगर एम्प्लॉय पे कॉम्पनसेशन लगाया जाएगा तो वो वैसे ही गरीब होता है, नौकर है, तो पैसे की कमी होगी, तो वो ज़्यादा कंपनसेशन दे भी नहीं सकता एज कंपेयर टू द एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयर जो कि ओनर होता है, मालिक होता है, उसके पास तो ज़्यादा पैसे होते हैं, तो वो ज़्यादा पैसे दे सकता, तो इसलिए उस पर लगाया जाता है, लाइबिलिटी होती है कि विक्टिम को कॉम्पनसेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मास्टर होगा। तो दोनों में यही चीज कही गई है, कोई फैसिट पर, मतलब सेम चीज तो नहीं है लेकिन थोड़ा मिलता जुलता। इसमें है कि किसी और से काम करवाओगे तो रिस्पॉन्सिबल हो गए, और इसमें भी यही बात है रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर में, कि मास्टर आंसरेबल होगा, कॉम्पनसेशन देना होगा। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट समझते हैं 57, मोडस ओपेरेंडाई। मतलब मोडस वर्ड जो है किससे रिलेटेड है, मेथड से, और ओपेरेंडाई, ओपेरेंडाई किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन से। सो यहाँ पे दे रखा है द लैटिन फ्रेज मीन्स द मोड ऑफ ऑपरेशन, काम करने का तरीका। क्रिमिनल लॉ में इसको हम लोग यूज करते हैं द मेथड ऑफ ऑपरेशन और द पैटर्न ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। कि मेथड ऑफ ऑपरेशन या किस तरह से वो क्रिमिनल का एक्ट है जो कि बाकी क्राइम्स या रॉन्गफुल एक्ट से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, कि ये काम को ना किसी एक ही इंसान ने किया है। पुलिस है या इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भी इस बात को समझते कि एक तरह से क्राइम किया जा रहा है, मतलब सबका मान लो गला काट के ही मर्डर हो रहा है एक साथ कॉन्सिक्वेंटली, तो किसी एक इंसान ने किया है ऐसा कहा जाएगा। रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक वे और द मेथड इन विच पर्सन, ये रिफर्स करता है कि कैरेक्टरिस्टिक ये एक अलग कैरेक्टर से या किसी एक अलग मेथड से करा जा रहा है,
है कि कोई एक पर्सन या ग्रुप पूरा एक सेम तरीके से कर रहा है, तो इसी के लिए मॉडस ऑपरेंडाई को यूज करते हैं, मेथड ऑफ ऑपरेशन. सो द नेक्स्ट वन इज रेशियो डिसेंडाई. रेशियो वर्ड जो रिलेटेड है रीजन, डिसेंडाई डिसीजन से रिलेटेड है कि कोई जजमेंट, जज जो है वो जजमेंट देता है, तो उस जजमेंट देने के पीछे क्या रीजन है वो बताना जरूरी होता है. तो यही चीज होता है रेशियो डिसेंडाई. रिफर्स टू द लीगल रीजनिंग और ग्राउंड इन विच कोर्ट डिसीजन इज रेस्ट. कि जज को एक लीगल रीजनिंग देनी पड़ती है कि ये जो जजमेंट दिया इसके पीछे क्या रीजनिंग थी या ग्राउंड्स बताना पड़ता है, यही बात होती है. और फिर जो रीजन दिया, जजमेंट हो गया, तो वो सारे लोअर कोर्ट पे या जितने भी आगे के केस होंगे सब पे बाइंडिंग होता है. यही चीज है रेशियो डेसेंडाई में. सो द नेक्स्ट वन इज रिस्पोंडेंट सुपीरियर, जिसको हम लोग कवर कर चुके हैं. उसके बाद से है बोनी मॉरिस. बोनी मॉरिस का मतलब क्या हुआ? बोनी वर्ड जो है वो रिलेट किससे कर रहा है? बोनी गुड, हम लोगों ने पहले भी कवर किया बोना फाइट. बोना मतलब गुड होता है, बोनी का भी मतलब वही गुड में ही आएगा. उसके बाद से मॉरिस वर्ड जो है रिलेट किससे कर रहा है? मोरल से. रिफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ गुड बिहेवियर, कि गुड मोरल कंडक्ट या बिहेवियर पे किस प्रिंसिपल है किसी गुड कंडक्ट के लिए या बिहेवियर के लिए, इसी को हम लोग यूज करते हैं बोनी मॉरिस. इसको हम लोग यूज करते हैं लीगल, इसमें कैसे कॉन्ट्रैक्ट में अगर यूज करें कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वॉइड बता सकते हैं क्योंकि वो वॉयलेट कर रहा है मोरल ऑफ बोनी मॉरिस, कि किसी लीगल मोरल गुड को, गुड मोरल को वायलेशन हो रहा है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बता दिया जाएगा कि इससे पूरे समाज को कुछ दिक्कत हो सकती है या कुछ भी गुड मोरल के लिए नहीं है तो यूज करते. या जज जो है वो डिसीजन देने टाइम में जब वो डिस्क्रिटरी डिसीजन देते हैं, मतलब अपना इंडिविजुअल जजमेंट देते हैं, तो उस टाइम पे वो कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ बोनी मेरा मोरस अप्लाई किया गया है. तो ऐसे ही इसको यूज किया जाता है फॉर द गुड मोरल्स के लिए. सो हम लोग अभी तक 60 लीगल मैक्सिम्स कवर कर चुके हैं और बाकी की हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे.